योम तकबीर मुल्की दिफा नाकाबले तस्खीर। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 26 साल हो गए। मुल्क भर में योम तकबीर आज मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मसाजिद में खसूसी दुआओं से दिन का आगाज। आलमी दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। 28 मई को पाकिस्तान दुनिया के सामने पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर सामने आया। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने चागी के मकाम पर 6 धमाके किए। योम तकबीर की मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात होंगी। योम तकबीर पर मुल्क में आम तातील। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर बोर्ड के इम्तहानात मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे, मगर इंटरमीडिएट के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। सरकारी दफातर भी बंद रहेंगे। दूसरी तरफ मुल्क भर की अदालतें भी बंद रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। तमाम बैंक भी बंद रहेंगे। कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म की कौम को योम तकबीर की मुबारकबाद। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, आज के दिन पाकिस्तान जोहरी ताकतों के सफ़ में शामिल हुआ। साइंसदानों और इंजीनियर की मेहनत के बगैर ये कामयाबी मुमकिन न थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, योम तकबीर मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। योम तकबीर अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों के अजायम नाकाम बनाने के अहद की तजदीद का दिन है। 9 मई जैसे इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासिर को नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ और अफवाज पाकिस्तान की योम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। ISPR की जानब से जारी पैगाम में कहा गया, ये दिन पाकिस्तान के जोहरी तजर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। 1998 में एटमी तजर्बात ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। कौम इस शानदार कारनामे में हिस्सा डालने वालों को खिराज तहसीन पेश करती है। ख्वाब को हकीकत में बदलने वाले साइंसदान और इंजीनियर तारीफ के मुस्तहिक हैं। मुसल्ला फौज का मुल्क के दिफा के लिए गैर मुतजलजल अज़्म का भी अदा। मुस्लिम लीग नून आज अपने नए सदर का इंतखाब करेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का बिला मुकाबला पार्टी सदर मुंतखब होने का कवी इम्कान। नवाज शरीफ के मुकाबले 11 लोगों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। आज दोपहर 12 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। 4 बजे जनरल काउंसिल के इजलास में पोलिंग होगी। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने शहबाज शरीफ का पार्टी सदारत से इस्तीफा कबूल किया था और सदर के नए इंतखाब तक शहबाज शरीफ को कायम मकाम सदर नामजद किया था। नून लीग की जनरल काउंसिल के इजलास की वजह से आज होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। हमारी पार्टी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो नून से मुराद मियां नवाज शरीफ है, किसी से रूठे हुए नहीं है और वो मुतहर्रक हैं। कायदे आज़म के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को सबसे ज्यादा मकबूल बनाया। नवाज शरीफ किसी से रूठे नहीं, मुकम्मल मुतहरिक हैं। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहाँ मालूम नहीं बानी पीटीए को कहाँ से शय मिल रही है, लेकिन हमाकत किसी से भी हो सकती है। बानी पीटीए के लिए दुआगो हूँ, अल्लाह उन्हें मुजीब रहमान जैसे अंजाम से बचाए। इरफान सदीकी बोले, खुदा न खास्ता अगर 1971 जैसे हालात पैदा हो गए तो बख्ती बानी का किरदार कौन अदा करेगा। अताउल्लाह तारा ने कहा कि बानी पीटीए का इकतदार का नशा टूट रहा है, ये मुल्क की बुनियादें खोखली करना चाहते हैं, इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। ये अब इक्तदार का नशा टूटना शुरू हो गया। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। 4-5 पोस्टें आप कर देती हैं 1971 और अपने आप को शेख मुजीब से मिला देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में बिजली लोड शेडिंग का नोटिस। लोड शेडिंग की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हंगामे इजलास आज तलब। इजलास में बिजली की तलब और रसद से मुतालिक सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली चोरों की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले इकदामात पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। हमने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और साथ साथ जो लॉसेस हैं उनमें भी कमी आएगी, जो एरियर्स हैं उनमें भी कमी आएगी। लोड शेडिंग और लाइन लॉसेस समेत बिजली के मसाइल विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में मामला तह पा गए। विफाक और सूबे के हुकाम फिर सर जोड़ कर बैठे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की वजारत दाखिला आमद, वजीर दाखिला और वजीर तवानाई के साथ मुलाकात। अली अमीन कहते हैं, बिजली के लाइन लॉसेस में कमी आएगी, ऐसा रास्ता निकाला है जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। विफाक और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। मोहसिन नकवी बोले, नुकसान कम करना और आवाम को रिलीफ देना मकसद है।
अवैस लगारी ने कहा बिजली चोरी रोकेंगे, मिलकर हर निकालने पर वजीर आला के मशकूर है। खैबर पख्तूनख्वा न सिर्फ अपने सूबे के अंदर बल्कि और सूबों के लिए भी जो मॉडल आज हमने एक दूसरे के साथ बैठ के बनाया है उसको हम और सूबों के अंदर भी रेप्लिकेट करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का 9 में 8 मुकदमात में 9 दिन का जिस्मानी रिमांड, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला जारी कर दिया। अदालत ने हिदायत की जेल में शाह महमूद कुरैशी से वीडियो लिंक के जरिए तफ्तीश की जाए। शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश के बाद 5 जून को अदालत के रूबरू पेश करने की हिदायत। नैब के मुलजिम का रिमांड 14 से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। रिटायर्ड जज भी इंतखाबी ट्रिब्यूनल का हिस्सा बन सकेंगे। इलेक्शन कमीशन और नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर कायम मकाम सदर ने मंजूरी दे दी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत नैब अफसर के बदनीति पर मुश्तमिल रेफरेंस बनाने पर सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क्याम से मुतल्लिक कानून में तरमीम की गई। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती कवरेज पर पाबंदी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। कोर्ट रिपोर्टर को रोजमर्रा की अदालती कवरेज की इजाज़त, पेमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद भी रोक दिया। पेमरा वजारत इतलात और दीगर को नोटिस जारी, 6 जून तक समाप्त मुलतवी करते हुए जवाब तलब कर लिया। सूरज का 3rd डिग्री टार्शर गर्म हवाओं के थपेड़ों ने बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। गुज़श्ता रोज़ 53 डिग्री के साथ मुसलसल दूसरा गर्म तरीन दिन रहा। मौजूदा दौड़ों में 53 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी, दादू में 51, सखर और सिबी में 50 दर्जे रहा। नवाबशाह और डीजी खान में 49, डीआई खान तुरबत और मुल्तान में 48 रिकॉर्ड, लाहौर में 45, पेशावर 43, इस्लामाबाद 41 और कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के सताए पंजाब वालों के लिए अच्छी खबर। PDMA ने रवां हफ्ते बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया। आज से 1 जून तक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशें मुतवक्के। दूसरी तरफ कराची में 29 से 31 मई तक हीट वेव का खतरा, पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं सिंध में मानसून हवाएँ जून के अख्ताम में दाखिल होंगी, बारिशों का आगाज जुलाई के पहले हफ्ते में होगा। वो 3 दिन कराची में भी हीट वेव लाइक सूरत हाल ही होगी, जैसे कि बाकी सिंध में तो ऑलरेडी बहुत सीवियर किस्म की हीट वेव प्रिवेल कर रही है।